डियर स्टूडेंट, यह सिमिलर क्वेश्चन बार बार आ रहा है सभी पेपर्स में, तो अभी जो पेपर बाकी है उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मगर यह इजी है, सभी बच्चों से बन जाता है। ध्यान से देखिएगा, इस बार n प्लस 5 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो n प्लस 5 सी आर माइनस 1, n प्लस 5 सी आर, n प्लस 5 सी आर प्लस 1, ये है 5, 10 और 14, ऐसा क्यों लिखा? चलिए, इजी है, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। इसको और इसको मैं यूज कर रहा हूं तो कुछ स्टेप्स बचाना चाहता हूं। n प्लस 5 अपॉन r माइनस 1, n प्लस 5 माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 5 अपॉन r, n प्लस 5 माइनस r इज इक्वल टू, इधर से आएगा 5/10। तो बोलो प्यारे बच्चे, ये कैंसिल हो गया, अमीरी गरीबी कंसेप्ट लग गया, जो मैंने सिखाया था कि अमीर के सिर्फ कपड़े फटेंगे, गरीब जान से जाएगा, और ये भी पूरा गया, इधर सिर्फ कपड़े फटे, तो ये घूम के ऊपर आएगा r अपॉन n माइनस r प्लस 6। यस प्यारे बच्चे, तो ये कटकर हो गया 2, तो n माइनस r प्लस 6 इज इक्वल टू 2r, तो n माइनस 3r इज इक्वल टू माइनस का 6। चलिए अब इसको देखते हैं, n प्लस 5 फैक्टोरियल r, n प्लस 5 माइनस r अपॉन n प्लस 5 r प्लस 1, n प्लस 5 माइनस r माइनस 1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 14। क्वेश्चन इजी है, मगर टाइम किलिंग आप बोल सकते हो, ये गया और ये गया, ये गया, ये घूम के ऊपर आया r प्लस 1 अपॉन n प्लस 5 माइनस r इज इक्वल टू 5/7। सही है, तो ये हो गया 7r प्लस 7 इज इक्वल टू 5n प्लस 25 माइनस 5r। आपको आ रहा है समझ में दोस्त? थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने के लिए हड़बड़ी कर रहा हूं मैं, जिससे कि सभी बच्चों को सॉल्यूशन जल्दी मिल जाए। तो ये 5n है माइनस, ये उठकर इधर आया 12r, और ये उठ के उधर गया, तो मेरे ख्याल से माइनस का 18। सही है क्या? पहले चेक कर लो, मिला लो, और हमको चाहिए ग्रेटेस्ट कोफिशेंट। एक बार इसको मिटा के मुझे दोबारा लिखना होगा, क्योंकि जगह कम पड़ रही है। आइए देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, उसको 5n से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो प्यारे दोस्त ये क्या हो गया, बोलो, 3r इज इक्वल टू 12, मेरे ख्याल से r बराबर 4। यस, और r बराबर 4 पता चल गया है, तो इधर पे अपन ने r बराबर 4 रख दिया, तो n इज इक्वल टू 6। डन, तो n बराबर 6 मुझे पता चल चुका है, यानी कि मैं यही लिख देता हूं, ज्यादा जगह नहीं चाहिए मेरे को, 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर 6 है, तो ये हो गया 11। यस, अब मेरी बात सुनिए, ग्रेटेस्ट टर्म का बेहतरीन कंसेप्ट मैंने दिया था, 11 का हाफ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो कितना कितना होता है बताइए, 5 और 6 के बीच में 5.5, तो 5 भी हमारा आंसर, 6 भी हमारा आंसर, तो 11 सी 5 इज इक्वल टू 11 सी 6 विल बी आंसर। तो 11 को
डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 बार लिखना है और नीचे फैक्टोरियल 5 है, यानी कि 120 है। मेरी टेक्निक पे काम करिए, ध्यान से सुनिएगा, आंखों आंखों में आंसर निकालना सिखाऊं। 11 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 बार लिखिए, 11, 10, 10 नीचे बुड़म हो जाएगा, 11, 9, 8 और 7, 11, 10, 9, 8, 7, ध्यान से सुनना। अब नीचे 12 बचा है, 10 को मैं मार चुका हूँ, 11, 9, 8, 7, अब नीचे 12 है ना, इसका मतलब नीचे 3×4 है, तो ऊपर 8 में से 4 निकाल लो तो 2 बचा, और 9 में से 3 निकाल लो तो 3 बचा, तो 11, 3, 2, 7, 11, 3, 2, 7, 11, 3, 2 और 7। तो ध्यान से सुनिएगा, 7 थ्रीजा 21, 7 थ्रीजा 21 का डबल 42, 42 को 11 से मल्टीप्लाई करना हो, 4 इधर लिखो, 2 लिखो, बीच में जोड़ लिख दो, आंसर डन। प्यारे बच्चे, जल्दी नोट डाउन करिए, थैंक यू।